हम लोग शुरू कर रहे हैं समाकलन, अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। ध्यान से देखिएगा, आज एकदम बेसिक चीज़ें हम आपको बताते हैं बेसिक फॉर्मूला के बारे में। समाकलन को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। समाकलन जो है वो अवकलन का उल्टा होता है, समाकलन जो अवकलन का उल्टा होता है। और स्टार्टिंग में अगर हम आपको बताएं तो समाकलन का जो संकेत होता है, मेरी बातों को थोड़ा समझेंगे, समाकलन का जो संकेत होता है सिंबल, जो कि ये होता है, बात नहीं करेंगे। समाकलन का जो संकेत होता है वो होता है ये और ये, ये ये, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा फंक्शन, यहाँ पे ही रहेगा फंक्शन। अब कौन से फंक्शन को हम लोग कहते हैं हिंदी में फलन, यहाँ पे कौन सा फलन रहेगा वो प्रश्न डिसाइड करेगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन समाकलन का सिंबल होता है ये और ये, इनटू में रहेगा डीएक्स, कोई दिक्कत होना चाहिए, ये समाकलन का सिंबल होता है, कोई दिक्कत है ना। अवकलन का सिंबल क्या था, अवकलज का, अवकलज का संकेत क्या था, अवकलज का संकेत था डी बटा डीएक्स, और यहाँ पर रहता है फंक्शन, मतलब बटा में डीएक्स रहता है अवकलज में, लेकिन यहाँ पर डीएक्स इनटू में रहता है, समझ गए गौर से। चलिए बढ़िया, तो ये समाकलन का संकेत है। ये समाकलन का संकेत कैसे बनती है थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं, सारे समझिएगा। ये जो समाकलन के जो फॉर्मूले बनेंगे वो अवकलन के फार्मूला से ही बनेगा, समाकलन का जो फॉर्मूला बनेगा सारा का सारा फॉर्मूला बनता है अवकलन के फार्मूले से, समझ रहे मेरी बातों को ना। तो सबसे पहले आपको अवकलन का फार्मूला जानना पड़ेगा, है ना। तो आइए हम लोग अवकलन के फार्मूला के बारे में जानते हैं। अवकलज का तो सिंबल हम लोग देख ही चुके थे, डी बटा डी एक्स। अवकलज का जो सिंबल था, फिर से लिख देते हैं, अवकलज का जो संकेत था वो था डी बटा डी एक्स, और यहाँ पर रहता था फंक्शन, बढ़िया। और अवकलज के फार्मूला से ही बनता है समाकलन का फार्मूला, थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, समझ गए, ध्यान देखिए। एक तरफ हम लिखेंगे अवकलज और एक तरफ लिखेंगे हम लोग समाकलन, एक तरफ लिखेंगे समाकलन। अवकलज में हम लिखते हैं डी बटा डी एक्स, और कुल कितने फंक्शन था जिसका अवकलज में हम लोग पढ़ाई किए थे, आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल एकदम नई चीज़ें, अगर अवकलज नहीं पढ़े हम बीच में उसका चर्चा भी कर चलेंगे। अवकलज के प्रश्न में कुल कितने ऐसे फंक्शन थे जिसके बारे में चर्चा किया जाना था और किए थे हम लोग। तो जितने भी मेजर फंक्शन होते हैं, आपको याद होगा मेजर फंक्शन, मतलब मेजर फंक्शन का मतलब जो फंक्शन पूरा कैलकुलस में दिखेगा, पूरा कैलकुलस के प्रश्नों में आएगा। तो मेजर फंक्शन को एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डिनोट किए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आईलेट, शॉर्ट फॉर्म है आईलेट। सबका फुल फॉर्म है आई, मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लघुगणकीय लॉगरिथम फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, समझ रहे हो ना। मतलब मेजर फंक्शन कुल कितने होते हैं, 5 आईलेट के अंतर्गत। इस सब का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। फुल फॉर्म भी हम लिख देते हैं जिसका चर्चा आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, समझ रहे हो ना, इसको भी आप नोट कर लेंगे। सबसे पहले आई को हम लोग कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके 5 फलन क्या होगा, वो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, डॉट 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 करके कहाँ तक जाएगा, कोसेक तक जाएगा, समझ रहे ना। उसके बाद एल के अंतर्गत आता है लॉगरिथम, जिसको हम लोग कहते हैं लघुगणकीय, लघुगणक मतलब लघुगणक, लॉग, इसमें एक ही फलन आएंगे जिसको हम लोग कहते हैं लॉग एक्स, एक ही फलन आते हैं इसमें लॉग एक्स। उसके बाद आता है ए, ए को हम लोग कहते हैं अलजेब्रोइक, अलजेब्रोइक फंक्शन, एफ यू एन। इसके अंतर्गत अलजेब्रिक फंक्शन के अंतर्गत आ जाता है ये वाला एक्स 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 स्क्वायर, एक्स का पावर 3, एक्स के पावर 4, डॉट 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 डॉट, या कोई भी अंक हो 1, 2, 3, कोई भी अंक होगा ना वो इसी के अंतर्गत आएगा, इसी को या करके बोला जाएगा x टू दी पावर n।
इसी में सारे फरियाद आते हैं, x टू द पावर n, समझ रहे हो ना, x टू द पावर n, n के जगह पर कोई भी, जैसे x के पावर 3, तो x टू द पावर n के स्थान पे आए ना, n के स्थान पे 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, या कोई अंक हो, जैसे कि कहीं पर आपको 3 हो, है ना, तो इसका मतलब होता है 3 × x^0, अगर कहीं पे 3 लिखा हुआ हो ना, तो 3 का मतलब होता है 3 × x^0, क्योंकि हम जानते हैं x टू द पावर 0 को कहते हैं 1, किसी भी संख्या का पावर 0 बराबर 1, तो 3 × 1, अरे किसी के साथ 1 तो छुपा रहता ना, अगर इसको हम क्या बोलेंगे 1, तो यहाँ x के पावर 0 है लेकिन उसको समझेंगे क्या 1, तो 3 × 1 = 3, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5 तो इसको क्या समझेंगे 5 × x^0, समझ रहे हो, तो अगर कहीं पे कोई अंक लिखा हुआ या कोई ये x वाला हो, समझ जाएगा वो x टू द पावर n के श्रेणी में आ जाता है, समझ रहे हो ना, वो x टू द पावर n के श्रेणी में आ जाएगा, कोई अंक हो या x का कोई पावर हो, तो इसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक फलन, प्रश्न में ऐसे आपको भर भर के मिलने वाले हैं। उसके बाद आ जाता है टी, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप समझ रहे हो, इसके अंतर्गत भी 6 आ जाएगा, 10वां में हम इसके बारे में पूरा चर्चा कर चुके थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत आ जाएगा साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और डॉट 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 करते कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम, कोसेक एक्स तक पहुँच जाएंगे, 6 फलन आ जाएगा। टी के बाद आ जाता है ई, ई को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, FUNC, एक्सपोनेंशियल के अंतर्गत 2 ही फलन आते हैं, ई का पावर एक्स और ए का पावर एक्स, और ए का पावर एक्स का बहुत है, जैसे 5 का पावर एक्स हो गया, 2 का पावर एक्स हो गया, 10 का पावर एक्स हो गया, मतलब एक्सपोनेंशियल को हिंदी में कहते हैं हम लोग चढ़ घातांकीय, नाम से ही पता चल रहा है, घात जो होगा पावर वो चढ़ होगा, जैसे कि अगर हम बोले x के पावर 5 है तो ये बहुपद के श्रेणी में आएगा, इसके श्रेणी में, अलजेब्रा के श्रेणी में, और 5 का पावर x है तो ये आ जाएगा चर घातांकीय के श्रेणी में, पलट देने के बाद, क्लियर है। आपको ऐसे प्रश्न दिखेंगे ढेर सारा, था कुल कितने मेजर फंक्शन है जिसका अवकलज पढ़ेंगे 5, और वही अवकलज का फिर समाकलन पढ़ेंगे, कनेक्टेड है सब कुछ, तो सबसे पहले तो अवकलज किस किस फलन का पढ़ेंगे, सबसे पहले फलन को अंडरलाइन कर लिए, इसका अवकलज पढ़ने के बाद हम इसको समाकलन के फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे, समझ रहे हैं ना, बड़े आराम से 7-8 दिन का टाइम लीजिए, बड़ी रिलैक्स होकर पढ़िए, समझ गए ना, लेकिन अस्थिर करके, बीच में गैप मत तोड़िए, आप लोग एक बार बड़ी मेहनत से माहौल बनाते हैं और 3 दिन गायब हो जाता है, उसका शकल टाकते हो टुक टुक, ऐसे थोड़ी होती है पढ़ाई, पढ़ाई का मतलब सिस्टमेटिक ढंग से फ्लो में रहिए, इसको लिखना होगा आपको थोड़ा सा, समझ गए ना, फिर से लिखो इसको। हाँ, अब हम एक तरफ लिखते हैं अवकलज, बंदे का ध्यान यहाँ होना चाहिए, एक तरफ लिखते हैं अवकलज, ध्यान से देखोगे अवकलज का सिंबल होता है d/dx और यहाँ पे फंक्शन होते हैं, और एक तरफ लिखेंगे हम समाकलन को एक दूसरा नाम प्रति अवकलज भी कहते हैं, और समाकलन का सिंबल होता है ये वाला फंक्शन और (dx), समझ गए। आइए हम फार्मूला समझने की कोशिश करते हैं, वन बाय वन करके एक आई की फंक्शन उठाते हैं, तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन उठाएंगे, आई उठाते हैं शुरू से, आई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 6 फलन होते हैं, तो सबसे पहले शुरू करिए d/dx और यहाँ पे हम लिखेंगे साइन इन्वर्स एक्स, अब इसको क्या पढ़ेंगे, साइन इन्वर्स एक्स का अवकलज, इसको ऐसे पढ़ेंगे ना, d/dx तो अवकलज वर्ग से संबोधित करेंगे, साइन इन्वर्स एक्स का अवकलज, तो क्या होता है फार्मूला, 1/√(1 − x^2), ये अवकलज में भी पढ़ा दिया गया था, जो बंदे का क्लास पहला है उसको देख लेंगे आप, अब ये तो इसका अवकलज हो गई ना, फिर इसी को समाकलन वैसे कन्वर्ट हो दे, देखिए गौर से, इसको हम नोट कर लिए, है ना, इसको नोट कर लिए, और ये भागा में है तो इसके साथ गुना में आ जाएगा, ये भागा में तो इसके साथ गुना में, डी मतलब डिफरेंशिएशन, उधर जा करके बन जाती है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब इसका सिंबल, अब देखिए ये कैसे लगा दोनों सिंबल, समझ में आ गई ना, ये और ये कैसे चिपका, समझ गए हो, डी एक्स भागा में तो गुना में, और डी मतलब डिफरेंशिएशन, उधर गया तो सिंबल इंटीग्रेशन, बच गया साइन इनवर्स एक्स मुक्त, बच गया साइन इनवर्स एक्स मुक्त, बच गया ना, इधर क्या बच गया साइन इनवर्स एक्स, और अपना मन से एगो कांस्टेंट जोड़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सी, जब भी किसी फलन का इंटीग्रेशन संपन्न होती है अपना मन से कांस्टेंट जोड़ते हैं, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं,
ये कांस्टेंट कहाँ से आता है? अवकलज करते समय जो कांस्टेंट गायब हो जाता है, इंटीग्रेशन करते समय वो कांस्टेंट आ जाता है। जैसे सुनो जैसे दोनों यार साइन एक्स प्लस दो, इसका अवकलज करेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस एक्स, ये दो गायब हो गया, तो फिर उसका जब समाकलन करेंगे तो फिर से वो आ जाना चाहिए ना। तो अवकलज करते समय जो कांस्टेंट गायब हो जाता है, जीरो हो जाता है, इंटीग्रेशन करते समय वही कांस्टेंट प्रकट हो जाती है। समझ गए ना अपना मन से? अब वो कांस्टेंट क्या होगा ये मुझे नहीं पता है, इसलिए इसको लिखा जाता है सी। सी मतलब कांस्टेंट, इसीलिए हम डायरेक्टली इसको याद रखते हैं ऐसे। जो किसी भी फंक्शन का जब समाकलन होता है तो समाकलन होने के बाद जो आंसर बचता है उसके बाद अपना मन से कांस्टेंट लगा देते हैं। समझ गए ना, इतना याद रखा जाता है। तो चलिए, तो 1/(1 - x²) का समाकलन क्या होगा? साइन इनवर्स x। कुल मिलाकर के अवकलन का फॉर्मूला याद कर लो, समाकलन के याद हो जाएगा, या समाकलन के याद कर लो, अवकलज के याद हो जाएगा। अवकलज का जो आंसर होता है वो समाकलन का प्रश्न होता है। समझ रहे ना, अवकलज का आंसर है वो समाकलन का प्रश्न है, और जो प्रश्न है वो बन जाती है आंसर। कोई दिक्कत? ऐसे सारे फलन, और अगर आप अवकलज और समाकलन जो भी बेसिक फॉर्मूला आपको नोट करवाया गया, कुल कितने फलन होते हैं? पाँच। तो अगर पांचों जो बेसिक फलन है इसका अवकलज और समाकलन का फार्मूला याद रखते हो तो सिर्फ फार्मूला से 10 ऑब्जेक्टिव आपको बन जाएगा बोर्ड परीक्षा में सीधे के सीधे। तो मतलब फार्मूला याद रखना, सिर्फ फार्मूला याद रखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव बनाने के बराबर है। 10 ऑब्जेक्टिव तो मिलेंगे ही मिलेंगे हर हाल में, अगर सिर्फ फार्मूला याद रखने से 10 प्रश्न ABCD आप मारी दोगे प्रश्न, समझे ना। तो इसको तो आपको याद ही रख लेना चाहिए हर हाल में, क्योंकि ये आपका इम्तिहान का प्रश्न है, इसके लिए बड़ी आराम से हम लिखते हैं। तो साइन इनवर्स x का ये हो गई, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? d/dx कॉस इनवर्स x का अवकलज -1/√(1+x²) सेम टू सेम। सेम टू सेम आराम से काम करनी है। देखो थोड़ा √(1 - x²) अब ध्यान से देखिए मेरी बातों को, माइनस कॉस इनवर्स एक्स, थोड़ा सा इस चीज़ों को समझो। देखो इसमें माइनस है ना, माइनस है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, सेम टू सेम ना, इसी में ना डी एक्स लगाएंगे। अब बताओ माइनस इधर हो चाहे माइनस उधर हो क्या फर्क पड़ता है? जब प्रश्न बनाते हैं तो माइनस एक्स बराबर 4 या 5 आता है, तो इसको एक्स बराबर माइनस 5 नहीं कर लेते, इधर वाला माइनस को उधर भेज लेते हैं, तो माइनस हमेशा आंसर की तरफ लगा हुआ रहे, माइनस हमेशा आंसर की तरफ लगा हुआ रहे तो ज़्यादा बेनिफिट होता। तो समझ गए ना, ये माइनस को इधर हटा के इधर चिपका देंगे तो क्या क्वेश्चन में ऐसा रहेगा? जो कि सुनिए, अब इसको पढ़ेंगे ऐसे, 1/√(1 - x²) का समाकलन साइन इनवर्स एक्स भी होता है और माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी होता है। जैसे कि सुनिए, जैसे कि cos 2θ का 4 फार्मूला होता है, cos 2θ का 4 फार्मूला याद होगा 11th में, 2 sin मतलब cos²θ - sin²θ, 1 - 2 sin²θ, 2 cos²θ - 1 याद है ना। अब वहाँ तो सवाल नहीं करते हो जी सर कौन अप्लाई करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके प्रश्न के RHS पर, ये डिपेंड करेगा आपको प्रश्न में, प्रश्न में जैसा RHS चाहिए वैसा आपको फार्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना, ये डिपेंड करता है आपके प्रश्न के RHS पे, सिद्ध करने वाला प्रश्न देगा ना। अब ये आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा इसका यूटिलाइज जब करेंगे सवाल में यूज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कब कौन सा यूज करनी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़िया से, एक तीसरा नंबर जो है d/dx और cos के बाद क्या होता है? tan inverse x। तो tan inverse x का सीधा होता है 1/(1+x²), सिंपल है। तो इसका उल्टा 1/(1+x²) का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan inverse x+c। थोड़ा सा सोचोगे आप लोग, वही ना है प्रश्न। उसके बाद बच जाते हैं d/dx, tan के बाद क्या हो जाएगा? cot इनवर्स x। तो cot का होता है -1/(1+x²), इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/(1+x²) dx। तो बराबर में जगह नहीं तो इधर लिख देते, तो इसमें माइनस cot इनवर्स x ना होगा, हो कौन? उसके बाद d/dx हो जाएगी, cot के बाद क्या होता है? sec इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन 1/(x√(x²-1) याद है, तो इसको हम क्या करेंगे पलट देते हैं, इंटीग्रेशन 1/(x√(x²-1) dx क्या हो जाएगा इसका? sec इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट। समझ रहे हो ना, मेरे पास जगह नहीं, आप लोग लाइन वाइज लिखना, जगह छोटा होने के कारण ऐसा लिख रहे हैं। अब d/dx, उसके बाद क्या हो जाएगा?
कोसेक इनवर्स एक्स, माइनस कहाँ चला जाएगा, ध्यान देख लो, इसमें माइनस का कहीं चर्चा है क्या? अब कोसेक इनवर्स एक्स का देख लो, वन बटा माइनस वन बटा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, कोसेक में माइनस हो जाती है। अब इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वन बटे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। अब यही ना फलन है, वो यही ना फलन है। अब बराबर करके लिखेंगे माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि माइनस इधर हो चाहे उधर हो क्या फर्क पड़ता है। अब लोग लाइन, मेरे पास जगह नहीं था तो हम ऐसे लिखना पड़ा, अब लाइन वाइज लिखोगे ना। आप किसी भी फार्मूला को ज़्यादा बार देखिए घर पे जा करके, ऐसा नहीं सोचिए जब बस हो गई सुन लिए काम खत्म हो गया। इस सुने वो ज़बरदस्ती आपको सुनाया गया, घर जा करके जब तक 10 बार देखेंगे नहीं, दोनों के बीच की लॉजिक समझ में नहीं आएगी। और लॉजिक समझ में नहीं आएगी तो आप एक याद करोगे तो 75 को याद नहीं होगा, लॉजिक समझ में आएगी तो सिर्फ रटोगे, लॉजिक समझ में आ रहेगी तो आप ये याद करोगे 10 को चीज़ याद हो जाएगी। इस हिसाब से आप देखेंगे तो इसमें कुल कितने फंक्शन हम लोग देखे थे, एक दो तीन, इसमें देखे थे एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंक्शन देखे थे। तो सारा आई का काम हो गया, याद रखेंगे। जल्दी खाली करिए, हम लोग शुरू से क्लास ले रहे हैं समाकलन के बारे में, जल्दी खाली कर लो। चलिए ये आई के बारे में देखे थे ना, आई का 6 फलन देखे थे, उसके बाद हम लेते हैं फलन एल। तो सेम टू सेम डी बटे डी एक्स तो अवकलज का सिंबल है, और फलन लेंगे एल, एल मतलब लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का अवकलज होता है वन बटा एक्स, सिंपल एक ही फलन होता है। तो वन बटा एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स, यही ना, भाग में गुना में कितना बच जाएगा लॉग, लेकिन इसमें लॉग मॉड एक्स प्लस ही लिखते हैं क्योंकि एक्स को माइनस में नहीं लिखा जा सकता। तो एक के फलन होता है लघुगणक के बारे में, लॉग एक्स का अवकलन वन बट एक्स, वन बट एक्स का समाकलन लॉग एक्स, ठीक, वन बट एक्स का समाकलन लॉग एक्स, ध्यान रखेंगे सीधे याद रखेंगे। उसके बाद लॉग के बाद क्या था, आई एल ए अलजेब्रिक ना, ये जो आपको दिख लॉग मॉड एक्स, आपको प्रश्न में मॉड मिलेगा, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स माइनस में नहीं होना चाहिए इसलिए मॉड लिखा जाता है। ये किसके लिए था, ये एल के लिए था ना, उसके बाद अरे एक्स माइनस में नहीं होगी है ना, इसलिए बोला जाता नहीं होगी, इस रूट में कोई चीज़ माइनस में नहीं होगी, समझ रहे हैं। तो डी बटा डी एक्स और एल के बाद क्या होता है, ए, और आपको बता चुके थे एक के श्रेणी में एक ही फंक्शन आता है, एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन, एन के जगह कोई भी अंक होगा, एक्स टू द पावर एन का जो अवकलन होता है वो ऐसा होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, याद होगा बढ़िया से, सर पे वाले को आगे ले आते हैं, जितना पावर उसको एक कम कर देते हैं, है ना, जितना पावर उसको एक कम कर देते हैं। तो इसी हिसाब से अगर इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया जाए तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन जो है वो बन जाएगी प्रश्न इंटू डी एक्स, और उधर बन जाएगा x के पावर n प्लस सी, याद है ना, अगर देखा जाए तो यही मेरा प्रश्न बन जाएगा। लेकिन आपको जो प्रश्न की मेरी बातों को, लेकिन आपको जो किताब में प्रश्न दिए जाएंगे वो इस फॉर्म में नहीं दिए जाएंगे, आपको फॉर्म इस दिए जाएंगे, सीधे दिया जाएंगे x के पावर n, है ना, x के पावर n दिए जाएंगे। तो देखो इसका आंसर क्या होता है, x के पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन और प्लस कॉन्स्टेंसी, ये भी वही चीज़ है, उल्टा है, अवकलन का उल्टा होता है समाकलन। तो अवकलन में क्या होता है, सर्पे वाले से गुना किया जाता है, सर्पे वाले से गुना किया जाता है एक कम करके। तो समाकलन में क्या किया जाएगा, सर्पे वाले से भाग दिया जाएगा एक ज़्यादा करके, कि किसी का उल्टा होता है। अरे अवकलन में सर्पे वाले से गुना किया जाता है एक कम किया जाता है, और समाकलन क्या किया जाएगा, सर्पे वाले के एक बढ़ाया जाएगा और उसी चीज़ से भाग दिया जाएगा। देख रहे हो ना, एक्स के पावर एन था तो एक बढ़ा करके एन प्लस वन कर दिए, इसी चीज़ से भाग दे दिए। सिंपल फंडा है, कोलोचन है, काफ़ी ईजी है। इसी फॉर्म में आपको प्रश्न ज़्यादा रहते हैं, ना कि आपका प्रश्न इस फॉर्म में रहते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहोगे, सीधे एक्स के पावर दो को क्या लिखोगे, x के पावर तीन बटे तीन, एक्स के पावर पाँच है तो क्या लिखोगे, चौ बटे चौ, मतलब वही चीज़ से भागने दे देंगे हो, और कॉन्स्टेंट को जोड़ लेना सी, ये आ जाता है अलजेब्रिक के श्रेणी में, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल फंडा है। इसको भी आपको नोट कर लेना है, जल्दी से खाली करिए आप। उसके बाद आता है टी, समझ रहे हो, टी के श्रेणी में वन बाई वन लिखते हैं, डी बटे डी एक्स तो सिंबल है ना, टी में त्रिकोणमिति में साइन एक्स आ जाता है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो इसी हिसाब से पलटेंगे तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का साइन एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट सी, दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा साइन के बाद कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का
होता है माइनस साइन एक्स अवकलन। तो इसी हिसाब से साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस माइनस इधर हो या उधर हो क्या फर्क पड़ता है। तीसरा नंबर में डी बटा डी एक्स हो गई टेन एक्स, टेन एक्स का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, जिसके बारे में चर्चा किए थे। तो उस हिसाब से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा टेन एक्स, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर में क्या हो जाएगा हम लोगों का डी बटे डी एक्स, सेक के बाद क्या हो, टेन के बाद क्या होता है कॉटेक्स। तो थोड़ा बताओ तो कॉटेक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसको अगर हम पलटेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, माइनस कॉटेक्स प्लस सी। उसके बाद पांचवा में क्या हो जाएगा डी बटा डी एक्स, उसके बाद सेक एक्स। थोड़ा बताओ तो सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। छठा नंबर में थोड़ा सा लिखेंगे डी बटे डी एक्स, सेक के बाद कितना होता है कोसेक एक्स का क्या होगा अवकलन, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉटेक्स। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसके नीचे लिख देते हैं कोसेक एक्स इंटू कॉटेक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू सी, माइनस इधर हो या उधर। तो ये छह फलन का काम हो गई, जल्दी से नोट करेंगे इसको, ध्यान दे लो। उसके बाद डी बटा डी एक्स, और एक्सपोनेंशियल में ई का पावर एक्स कौन कहते हो, तो ई का पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई का पावर एक्स। तो उसी प्रकार ई टू द पावर एक्स का जो समाकलन होगा वो भी होगा ई का पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद होती है डी वटा डी एक्स ए का पावर एक्स, तो ए का पावर एक्स का क्या होगा, ए का पावर एक्स का होता है ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, ये लॉग ए इधर गुना में है तो भाग में चला जाएगा ना। तो ए का पावर एक्स का जो समाकलन होगा वो होगा ए का पावर एक्स बट्टा लॉग ए प्लस कॉन्स्टेंट सी, समझ रहे हो। ढेर सारा इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण आप बहुत सारा देखते हो। जैसे कि आपको बोला जाएगा दो का पावर एक्स का समाकलन क्या होगा, तो सीधे लिखोगे दो का पावर एक्स बट्टा लॉग टू। अगर बोला जाएगा इसका एग्जाम्पल पाँच का पावर एक्स का समाकलन, तो पाँच का पावर एक्स बट्टा लॉग पाँच। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको बड़ी आराम से आप बना सकते हो, पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में ये सब चीज़ें। तो ये रहा आईलेट के अंतर्गत ई का। तो सभी पाँचों फलन का अवकलन समाकलन आप देख गए, सबसे पहला काम होगा कल सभी फलन का समाकलन याद रखना, समाकलन।